स्टेटस डेड, नो इंडिकेटर। टेस्टिंग ऑल वोल्टेजेस, पावर सप्लाई एंड मदरबोर्ड। एमएमसी आईसी निकाल कर इसकी रिबॉलिंग करनी है। आईसी को स्टेंसिल में लगाकर हमें बॉल्स बनाने हैं, तो इसे आईसी जो है प्रॉपरली प्लेस करके फिक्स कर दी है एब्रो टेप के साथ। अब मैं इसमें पीपीटी पेस्ट लगा रहा हूँ, उसे जेंटली मिक्स करूंगा और एक्सेस जो पीपीटी है उसे मैं रिमूव कर दूंगा। 300 डिग्री हीट और 4 के करीब की एयर मैंने रखी है, इसे हीट कर रहा हूं। ये पेस्ट मेल्ट होंगे और उसके बाद बॉल्स बन जाएंगे। अगर जो प्रॉपरली आपने किया काम तो बॉल्स एकदम बढ़िया बनते हैं, जैसे कि मैं कर रहा हूँ आपको वैसे ही करना है। दोबारा से हल्की सी पेस्ट लगाऊंगा, इसे भी अच्छे से मिक्स कर दूंगा। एक्सेस पेस्ट को रिमूव करके वही 300 डिग्री और 4 की एयर रखकर मैं हीट कर रहा हूँ। पीपीटी पेस्ट मेल्ट होने के बाद बॉल्स बन जाएंगी। ये सेकंड प्रोसेस लास्ट प्रोसेस होता है, इसके बाद बॉल्स बढ़िया बन जाते हैं। आईसी को स्टेंसिल में से निकाल लेना है बाद में। रिमूव द आईसी फ्रॉम द स्टेंसिल वेरी जेंटली। थिनर की मदद से आईसी को क्लीन कर लो। उसके बाद 300 की हीट और 4 की करीब की एयर रखकर हीट करना है। इस प्रोसेस में बॉल्स यूनिफॉर्म शेप में आ जाते हैं। ईएमएमसी आईसी की रिबॉलिंग हो चुकी है। क्लीन कर लेने के बाद हम इसे प्रोग्रामर के एडेप्टर पर लगाकर प्रोग्रामिंग करेंगे। अब मैं आपको प्रोग्राम करने का तरीका बता रहा हूँ कि प्रोग्राम कैसे करेंगे। हम करते हैं, इसे सिलेक्ट करके माउस का राइट बटन दबा के रन एज एडमिनिस्ट्रेटर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं ईएमएमसी। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है आपको ईएमएमसी को, का आप एक नोटपैड में कॉपी करके रख लें। ये पूरा जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो है मैं ऑलरेडी यहाँ पर ले चुका हूँ। अब हम सभी पार्टीशंस में ये डाल देते हैं, बूट 1, बूट 2, CSD। ये डालते ही आप देखेंगे कि यहाँ पर बूट पार्टीशन 1 एनेबल हो चुका है बूटिंग के लिए और यूजर एरिया। ठीक है, ये मैंने कहाँ से लिया है, 49EH600D जो पैनासोनिक का मैंने मॉडल नंबर यहाँ पर बनाकर इसमें डेटा लिए हुए थे, पहले ही बैकअप लिया था, जो उस बैकअप से मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर डाली है। ओके, अब हम राइट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमें क्लॉक स्पीड को सेट करना है। मैं 24 मेगाहर्ट्ज़ पे सेट कर देता हूँ इसे और फिर राइट करना शुरू करेंगे। इसकी स्पीड यहाँ पर क्लॉक क्या हम रखते हैं उसके ऊपर होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 6.3 MB की स्पीड से ये राइटिंग प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। इसमें समय लगेगा लगभग 9 मिनट 14 सेकेंड का। आईसी में हमने अभी ओके डेटा डाल दिया है। अभी हम चेक कर लेते हैं आईसी को बोर्ड पे लगाकर।